जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप के बहुत अच्छे होंगे। और आपका सबका स्वागत है मोहित भारद्वाज ब्लॉग में, साथ में अंकित। और मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं थक गया बुरी तरह। मेरी दुकान में काम होते होते इतना काम नहीं था जितना लंबा हो गया। और आज तो बिल्कुल युद्ध स्तर पर दो दो पेंटर लगे हुए हैं। आप अंकुल को भी जानते हो, अंकुल ने पीछे अभी मेरा कमरा कम्प्लीट कराया था, ऊपर का जो रूम था, और जिसने मेरी दुकान में किया था नीरज, तो उस दिन मैंने उसको कवर नहीं किया था। आज नीरज भैया भी आया हुआ है तो मैं इनको दिखा दूँ, और बाहर बाबू काम कर रहा है। तो आज संभावना है कि पेंट तो शायद अभी तो प्राइमर लग रहा है, ये काउंटर कोरा था अंदर से उसमें, तो कल को पेंट लगेगा, आज प्राइमर मार के चले जाएंगे। और स्टील का वर्क, बस भगवान भोलेनाथ आज मेरा पीछा छुड़ा दे कैसे भी करके, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। और चलो मैं दिखा देता हूँ कैसे काम हो रहा है। सबसे पहले मेरी माँ से मिले आप, ऐसा कर दिया करो। और उसके बाद में देखो नीरज, मेरी दुकान में जो फिनिशिंग का काम करके गए थे वो नीरज ही करके गए थे, दुकान की रंगाई पुताई, ठीक है? इनका नाम नीरज है। नीरज एक बार फेस ऊपर करो, धन्यवाद भैया। और उसके बाद में देखो फिर वही चेहरा, अंकुल, अंकुल को आप जानते हैं ऑलरेडी, अंकुल ने ऊपर किया था रूम में मेरे, तो ये काउंटर जो था उस पर प्राइमर लगा रहे हैं अभी अंदर से, पेंच रह गया एक इसमें। और बाहर बाबू लगा हुआ है, बाबू को तो पिछले 6 दिन से आप देख ही रहे हैं, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ना चाह रहा, पता नहीं क्या कर रहा है। नहीं मैं नहीं जा रहा बाहर, बाबू, हे बाबू, हाय, हो गया। बाबू ना ईयरबड्स लगाए रहता, कान में तो उसे आवाज़ नहीं जाती है, सुनता नहीं है वो, बड़ा व्यस्त रहता है लड़का। इसमें डस्ट ज़्यादा होगी है ना अंकुल, पहले धूल साफ कर लियो भैया सारी। ना ये ना है उसमें, ना है वो पहली है, उन पर पेंट लगा हुआ है। ना मारा उसने इस पर, इन पर ना मारा उसने, पेंट मारेगा इन पर, पेंट लगाएगा इन पर। तो मैंने आपको अंकुल से और नीरज से मिलवा दिया है, आज प्राइमर लगेगा, कल को पेंट लगेगा, ठीक है? और ग्रीन टी आ चुकी है मेरी, ठीक है? आज मुझे आधी मिल रही है, आधी आधी बैठा ना, ये इसने मार लिया आधी मेरी आज, इसमें से ये रखी इसकी। तो चलिए हैव ए ग्रीन टी, आप देख लीजिए मैं पी लेता हूँ, ठीक है जी? और देखो नीरज का, देखो भाई इतनी ठंड हो रही है, ऊपर से पहन रखी थी जैकेट और नीचे पहन रखी थी, कोई आदमी ने हाफ टी शर्ट और कान पर बांध रखा मफलर, ये देखो इसका नया फैशन, कानों को इसके ठंड लग रही है और नीचे से गर्मी लग रही है टी शर्ट में। तो भाई आज का जो रैपिड वर्क था वो दोनों ने निपटा दिया इन्होंने। नीरज अंकुल इधर करो बेटा, इधर आओ, है ना? तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल को कितने बजे आ रहे हो? कल को भी इसी समय 5 बजे आ जाओगे, है ना? ठीक, कल को इस पर ही वाइट मार के जाना, फिर अगले दिन सूख जाएगा तो मैं पेंट ला दूंगा, फिर वो मार देना, ठीक है जी? हाँ जब भी तो छुपेगा फिर, यो वाइट से थोड़ा धुंधला हो जाएगा, उसके बाद में ये वाला मार देना, प्योर वाइट नहीं वाला वाइट, हाँ प्योर वाइट ही लगेगा इस पर। और बाबू रैक फिट करते हुए, और संभावना है कि आज मेरा, संभावना क्या, आज बिल्कुल निश्चित है कि आज स्टील वर्क मेरा जो है फिनिश हो जाएगा। 2 रैक बनवाई हैं, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको फ्रंट से। फिर वही चेहरा, अंकुल, अंकुल जरा चिलबन से पर्दा हटाओ, अपना दीदार कराओ सब्सक्राइबर को सारे, स्माइल बहुत अच्छी है लड़के की भाई। और अंकुल आ चुका है, दिन में कहीं और काम करता है, मेरे विनम्र आग्रह करने पे यहाँ आ गया ये, क्योंकि मेरा काम ज़रूरी था। आज क्या कर रहा हूँ, पेंट आज कंप्लीट हो जाएगा ना अंकुल? चलो। और देखिए दूसरी तरफ नीरज, नीरज भाई कैसे हैं? वहाँ से आए हो अभी? वहाँ कितने बजे गए थे सुबह? 8:30 से अब, है ना? अब मेरे यहाँ आ गए यार, बड़ा हार्ड वर्क करते हो यार आप लोग। और ये है अयान, अयान पड़ोसी हमारे, अयान हंसता बहुत अच्छा है यार। जय हिंद जय भारत। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप के बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है मोहित भारद्वाज व्लॉग में। दिन शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी, और आज जाके मेरा पीछा छूटा है, दोनों रैक लग चुकी है, देखो
और मैं भैया से मिलवा दूँ, बड़े भाई हैं सतीश जी मेरे, मेरे दोस्त भी हैं, भैया भी हैं, पड़ोसी हैं मेरे। तो आज जो है ये कंप्लीट करके गया है बाबू, अब आज जो है आज फिनिश हो गया स्टील का वर्क मेरा आज, अब माल लगाऊंगा। उसके बाद में ओपनिंग है 19 फरवरी की दुकान की मेरी जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ वो सरप्राइज़ है, अभी नहीं बताऊँगा आप लोगों को मैं। और देखिए मैं आपको एक बंदे से मिलवा देता हूँ, मेरा सब्सक्राइबर है, बड़े पुराने सब्सक्राइबर हैं ये, और मेरी वीडियो देख के मेरी दुकान पर आए हैं आज ये, बोले भैया मैं आपको पहचान गया, आपने बताया था ऐसे ऐसे लोकेशन, तो चलिए मैं आपको इनसे परिचय करा देता हूँ। बोलो, सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम दीपक चौहान। दीपक चौहान, ग्राम पीपलसाना रामपुर। पीपलसाना तो नगीना रोड में पड़ता है ना? हाँ हाँ, नगीना रोड। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे यहाँ कैसे आए? मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, आपकी वीडियो के माध्यम से आया था। अच्छा, दुकान भी ढूंढ ली? हाँ, आपका वो पहले अंदर बोर्ड लग रहा था ना, उससे पहचान कर ली, बाहर भी लग रहा स्टेडियम का। अच्छा अच्छा, लोकेशन आपने बोर्डों से देख ली? लोकेशन में मैं निकलता था इधर को बाजार। दीपक नाम बताया ना? हाँ दीपक। अच्छा दीपक, अब तो बोर्ड भी उतर गए, फिर कैसे देख लिया था? ना पहले जब वीडियो गई थी उससे पहचान गया, अब तो टार दे तुमने। हाँ, अब नए बोर्ड लगेंगे ना, ब्रांडिंग हो रही ना उसकी, नए बोर्ड आएंगे। ओले पड़े थे उधर की वीडियो बनाई थी। हाँ हाँ, ओले पड़े थी, सारी वीडियो देखते हो? हाँ, सब्सक्राइब भी करते रहा करो यार भाई, है ना। चलो अब आते रहना भैया, ठीक है? ठीक है, चलिए, धन्यवाद दीपक जी। मुझे बड़ी खुशी होती है जब इस तरह से लोग वीडियो देख के मेरे से दुकान पे मिलने आते हैं मेरे यहाँ, तो मुझे लगता है कि हाँ भाई चलो मैं बिल्कुल सही मार्ग पे चल रहा हूँ। लेकिन अभी ज्यादा मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ मैं अपने ब्लॉग पे, क्योंकि अभी दुकान में उलझा हुआ हूँ पिछले 10-15 दिन से, 19 फरवरी को ओपनिंग है, उसके बाद में देखते हैं कहाँ जाना होता है। तो आज ऐसा कुछ विशेष है नहीं, तो अभी 5:30 हो चुके हैं, आधा घंटा है अभी, मैं एडिट करता हूँ इस वीडियो को, और ये भी थोड़ी देर में आ जाएगी। बाय।